हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी को मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि 2021 में बहुत सारी वेबसाइट्स की रैंकिंग डाउन हुई है, तो बहुत सारी वेबसाइट की रैंकिंग में इंक्रीमेंट भी हुआ है। इसके सबसे मेजर वजह क्या है, तो वो गूगल के 3 मेजर अपडेट्स, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स की रैंकिंग को लेकर के बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ है, वो आज इस वीडियो में आपको ब्रीफ बताने वाला हूं। वो एग्जैक्टली क्या इश्यूज थे, किसके वजह से वेबसाइट की रैंकिंग सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस चाहिए ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और पैसिव इनकम से रिलेटेड, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा, बिकॉज आई लव टू शेयर द वीडियो, आई लव टू शेयर द कॉन्टेंट बेस्ड ऑन योर फीडबैक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज गाइस, 2021 के वो 3 मेजर अपडेट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो बहुत ही मोस्ट क्रूशियल हैं और क्रिटिकल हैं। जिसकी सबसे पहली शुरुआत होती है गाइस, वो होती है हमारा गूगल का प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट। ये जो पर्टिकुलर रोल आउट है वो बैक इन अप्रैल 2021 के अंदर हुआ, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये पर्टिकुलर जो रोल आउट था या फिर ये पर्टिकुलर जो अपडेट था, इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ वो साइट्स इंपैक्ट हुई है जो मोस्टली प्रोडक्ट के रिव्यू से रिलेटेड कंटेंट लिखते थे। इन जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उनके रिलेटेड डिटेल वीडियो आई बटन में मैंने ऑलरेडी लिंक करके रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, जहां पर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन करके रखा है कि क्यों आपकी साइट की रैंकिंग इंपैक्ट हो रही है। तो ये सबसे मेजोरिटी ऑफ साइट्स जो इंपैक्ट हुई है, उसका सबसे मेजर रीजन है गूगल प्रोडक्ट रिव्यू। क्योंकि आप और हम में से बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कॉन्टेंट के अंदर प्रोडक्ट का रिव्यू देना पसंद करते थे, लेकिन गूगल के ये जो रिसेंट अपडेट है उसमें उसने मेजोरिटी ऑफ वो साइट्स इंपैक्ट हुई है जो प्रोडक्ट के रिव्यूज लिखते थे। क्योंकि पहले लोग एज इट इज जो भी प्रोडक्ट Amazon पर दिख रहे हैं या फिर किसी और साइट्स पर दिख रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन को पुल करके ब्लॉग पे अटैच कर देते थे, लेकिन अभी गूगल उस चीज को किसी भी तरीके का कोई एडवांटेज नहीं देगा, बिकॉज दे हैव देयर सर्टेन क्राइटेरिया। उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि वाई दिस प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर प्रोडक्ट। साथ ही साथ आपको कुछ अपने ओन पॉइंट्स उसके अंदर प्रोज और कॉन्स में बना करके लिखने होंगे, और नंबर 3 आपको वहां पे ये इंक्लूड करना होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस या फिर कंडीशन में परफेक्ट है। अगर आप ये करते हैं तो आपका प्रोडक्ट और आपका कंटेंट रैंक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसलिए मेजोरिटी ऑफ साइट्स जो प्रोडक्ट का रिव्यू लिखती है वो ज्यादा इंपैक्ट हुई है। डिटेल आई बटन में वीडियो, कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए, कैसे आपकी साइट की रैंकिंग को इंप्रूव किया जाए। नंबर टू है गाइस, वो है जीरो क्लिक सर्चेस, जो कि रिसेंटली रैंड फिशकिन ने एक स्टडी किया। इन 2020 दे हैव ऑब्जर्व्ड कि पास्ट ईयर के अंदर करीब करीब 65% ऐसे सर्चेस थे जिसपे जीरो क्लिक्स आए। जीरो क्लिक्स का मतलब यूजर ने क्वेरी को सर्च किया, जो रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स पे किसी ने भी क्लिक नहीं किया। उसका रीजन जो सबसे बड़ा रीजन था वो था फीचर स्निपेट। गूगल ने कुछ बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन या चेंजेस किया बैक इन 2020, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स के जो आंसर ऊपर इधर पैराग्राफ की फॉर्म में या फिर वीडियो की फॉर्म में या फिर लिस्ट की फॉर्म में ऊपर ही शॉर्ट में आंसर्स दिख जाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये जो चेंजेस आए, इसकी वजह से मोस्टली यूजर क्वेरीज तो सर्च हो रही है लेकिन उस पर क्लिक नहीं आ रहा है। इसको लेकर के भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, क्या ये कंसर्न की वजह है, हाँ भी और यस भी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम जैसे ब्लॉगर के लिए कि अभी आपको टॉप 10 में रैंकिंग गेन करने के लिए पूरा कंटेंट ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। अगर आपकी वेबसाइट का पर्टिकुलर पोस्ट एक प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है तो वो टॉप 100 से कूद करके डायरेक्ट नंबर 1 की पोजिशन पे आ सकता है। कितने दिन तक रहेगा, सब डिटेल के अंदर मैंने आई बटन में वीडियो बना के रखा है। तो मेक श्योर आपका कंटेंट फीचर स्निपेट के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो, अगर नहीं है तो यहां पर सबसे ज्यादा रैंकिंग इंपैक्ट हुई है, सबसे ज्यादा वेबसाइट का ट्रैफिक इंपैक्ट हुआ है। तो मेक श्योर आप फीचर स्निपेट पे वर्क करें। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या फीचर स्निपेट से फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग डेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम कंपेयर करें 2019 के अंदर करीब करीब 49% जीरो क्लिक सर्चेस थे, जो 2020 के अंदर हो चुके हैं 65%। तो लोग इसको कंपेयर करते हैं कि ये हर बार बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिवर्स केस के अंदर जब आप नंबर ऑफ सर्चेस देखते हैं, 2019 के अंदर थे करीब करीब 2 ट्रिलियन सर्चेस, जो 2020 के अंदर हो चुके हैं 5 ट्रिलियन सर्चेस। मतलब नंबर ऑफ सर्चेस है वो 2 टाइम्स बढ़ चुके हैं, और 14% का जीरो क्लिक सर्चेस, इट इज ऑब्वियस नॉट अ बिग डील, क्योंकि अब एवरी सिंगल क्वेरी लोग गूगल पे टाइप करने लगे हैं, इसी की वजह से जीरो क्लिक सर्चेस का काउंट ज्यादा दिख रहा है, बट इन रियलिटी में बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। तो आई होप कि अभी आपसे आपका कंटेंट फीचर स्निपेट के लिए ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपका नहीं कर रखा है तो ये भी इसकी सबसे मेजर और बड़ी रीजन है कि आपकी साइट का ट्रैफिक इंपैक्ट हो रहा है। लेट्स गो टू द नंबर 3 पॉइंट। और गाइस, जो नंबर 3 जो इश्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल विल ऑब्जर्व इज कोर वेब वाइटल का अपडेट, जो कि
May 2021 के अंदर रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है। ये क्या है, जब आप गूगल वेबमास्टर के अंदर जाएंगे तो गूगल वेबमास्टर के अंदर एक सेक्शन आपको दिखाई देगा कोर वेब वाइटल, उसके अंदर आपको तीन टाइप की एरर देखने को मिल सकती है। एक होती है जो होती है फर्स्ट कंटेंट पेनफुल एफसीपी, एक होती है लार्जेस्ट कंटेंट पेनफुल एलसीपी, और तीसरी होती है सीएलएस। CLS मतलब cumulative layout shift, ये तीनों सबसे major impact करने वाला है every website को। और इसका सबसे major reason है आपकी site पे डलने वाली images, आपकी site पे use होने वाले text, आपकी साइट पे डिस्प्ले होने वाली एड्स। ये तीन ऐसे मेजर रीजंस हैं जिसके वजह से आपके साइट पे जो पेज का लोडिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही ये इंक्रीज होगा तो आपकी साइट की रैंकिंग डाउन होगी। और ये जो भी पेजेस है जिसमें इस टाइप की एरर है वो आप आपके खुद के वेबमास्टर में जाके देख सकते हैं। जैसा कि अगर आप कोर वेब वाइटल के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो बताएगा मोबाइल में इतने एरर है, डेस्कटॉप में इतनी एरर है, एंड व्हेन यू विल फिक्स देम ऑब्वियसली यू विल पास थ्रू दिस अपडेट। तो ये एक सबसे मेजर इशू है। ये बेसिकली अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी और डिस्कशन चल रहा था इसको रोल आउट करने का, जो कि फाइनली मई 2021 के अंदर स्टार्ट हो चुका है। तो मेक श्योर आप सभी के साइट के अंदर कोर वेब वाइटल में जितने भी पेजेस हैं एटलीस्ट एरर में नहीं होने चाहिए, उनको नीड इंप्रूवमेंट या फिर पास के सेक्शन में मूव कीजिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे आने वाले ट्रैफिक पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। तो गाइस ये वो थ्री मेजर रीजंस थे जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों की वेबसाइट का ट्रैफिक इंपैक्ट हो रहा है, और तीनों को लेकर के मैंने डिटेल पोस्ट और ब्लॉग पोस्ट लिख रखा है। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, एंड स्क्रीन में हर जगह मिल जाएगी। और आई होप गाइस कि आपको आज इन तीन बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगा होगा। अगर लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक आप बने हुए, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।